हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जनरल इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिक्स का चैप्टर ऑप्टिक्स। देख रहे हैं आप, तो ऑप्टिक्स है क्या वो हम सबसे पहले जानेंगे। ऑप्टिक्स क्या, डिफिनेशन क्या है उसका। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स जो है, आपको ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स इज़ द डिफिनेशन उसका देख लीजिए। ऑप्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड रिलेटेड टू इट्स फेनोमेनन। मतलब ऑप्टिक्स वैसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसको हम पढ़ते हैं उसके लाइट की, जिसके बारे में जिसके हम पढ़ते हैं लाइट के प्रॉपर्टीज़ को, उसकी फेनोमेन को, उसके चरित्र को। मतलब लाइट का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। रोशनी होता है ना, प्रकाश होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझे। तो उसके टाइप हैं, टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स देख लीजिए। टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स है जिसका दूसरा नाम है रे ऑप्टिक्स कहिए, या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसका दूसरा नाम है। रे ऑप्टिक्स का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं, जो कि बेस्ड है। रे ऑप्टिक्स क्या चीज़ पे बेस्ड है कह सकते हैं, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द सिंपल ज्योमेट्री। आप देख रहे हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन सिंपल ज्योमेट्री। ये सिंपल ज्योमेट्री पे बेस्ड है रे ऑप्टिक्स। उसके बाद है दूसरा वे वेव ऑप्टिक्स, जो कि बेस्ड है वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे। वेव ऑप्टिक्स को दूसरा नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स, इट इज़ बेस्ड ऑन वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तीसरा है क्वांटम ऑप्टिक्स, ये बेस्ड है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पे। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, इट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ओके दोस्तों, ये आपको बेसिक बातें हैं जो कि फिजिक्स में आपको जब से स्टार्ट करिएगा पढ़ना आप ऑप्टिक्स, तो ये बेसिक बातें ये आपको जानना जरूरी, बेहद ज़रूरी है। तो देखिए उसके बाद डिफरेंट थ्योरी ऑफ रिलेटेड टू लाइट, जो कि लाइट से रिलेटेड है थ्योरी, तो वो जानना जरूरी है। वेव थ्योरी क्या चीज़ पे, कौन ने दिया, किसने दिया, तो वेव थ्योरी इट इज़ गिवन बाई हाइजिन। हाइजिन को साइंटिस्ट के नेम थे, साइंटिस्ट का नाम था, जो कि साइंटिस्ट ने इसको वेव थ्योरी को दिया था। ड्यूल थ्योरी इट इज़ गिवन बाय डी बॉर्गली, डी बॉर्गली। ओके ये जितने भी हैं सब साइंटिस्ट के नेम है। ओके ड्यूल थ्योरी डी बॉर्गली ने दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इट इज़ गिवन बाई मैक्सवेल, मैक्सवेल का आप नाम सुने होंगे। कार्पस्कुलर थ्योरी इट इज़ गिवन बाय न्यूटन, मिस्टर न्यूटन सब, न्यूटन सब, न्यूटन सर न्यूटन, जो कि कार्पस्कुलर थ्योरी को दिए थे। उसके बाद है रे ऑप्टिक्स, ना रे रे हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ लाइट, लाइट है क्या, क्यों पढ़ते हैं लाइट, लाइट व्हाट इज़ लाइट। तो लाइट इज मतलब लाइट क्यों है, क्या है, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी सी एनी ऑब्जेक्ट। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच, यानी विच इज़ हेल्प टू सी एनी ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट की वजह से कि कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग आसानी से देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाइट। तो वही कहलाता है लाइट, वही कहलाता है प्रकाश। ओके उसके बाद है इट इज़ अ स्टार, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं इट इज़ अ विजुअल पार्ट, ये किसी पार्ट को भी हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजुअल पार्ट ऑफ मैग्नेटिक वेव 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। उसके बाद है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। लाइट का जो स्पीड है आपको वैक्यूम में मिलेगा 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज़ हाईएस्ट स्पीड ऑफ द नेचर, नेचर में सबसे हाईएस्ट स्पीड है लाइट का। ओके दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों अब हम जानेंगे मिरर क्या है, मिरर। उसके बाद मिरर पे आते हैं, तो मिरर व्हाट इज़ मिरर, मिरर का डिफिनेशन क्या है। तो मिरर का डिफिनेशन एनी स्मूथ एंड सैनी शाइनी और सरफेस इज कॉल्ड मिरर। कोई भी स्मूथ या शाइनी चमकता हुआ सरफेस दैट इज कॉल्ड मिरर, उससे हम मिरर कह सकते हैं। मिरर इज अ टू टाइप, देख रहे हैं आप, एक है प्लेन मिरर और एक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज अ टू टाइप, ये मिरर तो दो टाइप का है, एक प्लेन मिरर हो गया और एक स्फेरिकल हो गया। और स्फेरिकल जो दो टाइप का होता है, जो कि कनकेव है, एक है कन्वेक्स। कनकेव को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कह सकते हैं, कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कह सकते हैं। और कनकेव को हम लोग, कनकेव जो होता है वो आप ऐसे जाने, कनकेव वो आउटवर्ड में होता है, ये देख रहे हैं आउटवर्ड में, ये आउटवर्ड में होता है कनकेव। और कन्वेक्स जो होगा वो इनवर्ड में होगा, देख रहे हैं, है ना। देखिए अब उसके बाद प्लेन मिरर है क्या, व्हाट इज प्लेन मिरर। ओके प्लेन मिरर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। मतलब प्लेन मिरर पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बनता है वो इनफाइनाइट पे बनता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल में व्हाट इज दिस, तो अ मिरर विच इज फॉर्म बाय अ पार्ट ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। मिरर का वैसा पार्ट जो स्फेयर पार्ट हो, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। एंड उसके बाद कनकेव मिरर और कन्वेक्स है, तो कनकेव मिरर का डिफिनेशन जानेंगे। कनकेव मिरर है क्या, दोज टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, दोज टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज आउट
outer part is silvered. That is called reflection take place from inner part. Reflection आप यहाँ देख रहे हैं जो कि मतलब आउटर पार्ट में आपको आएगा रे आउटर पार्ट से आएगा और रिफ्लेक्शन होकर आपको टेक प्लेस यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, इसके अंदर में रिफ्लेक्शन होगा. और कन्वर्जिंग में क्या होगा, इनर वाट मतलब इनर वाट इसका अपोजिट होगा, जस्ट लाइक समझिए इसके अंदर रे आएगा और बाहर में मतलब कि इसके आउटवर्ड में आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगा. तो उसी वही बोल रहा है यहाँ, इस कनकेव का डिफिनेशन है दोस टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर पार्ट इज सिल्वर्ड दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम इनर पार्ट देन इट इज कॉल्ड कनकेव मिरर ना, देन इट इज कॉल्ड कनकेव मिरर. के बाद है हम देखिए कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर क्या कह रहा है, कन्वेक्स मिरर दोस टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज इनर पार्ट सिल्वर्ड, इसी का अपोजिट है, इसमें आउटर पार्ट है इसमें इनर पार्ट सिल्वर्ड है. हाँ इसमें इनर पार्ट सिल्वर्ड है. उसके बाद देखिए इनर पार्ट सिल्वर्ड है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम आउटर पार्ट, उसमें इनर पार्ट में हो रहा है रिफ्लेक्शन तो इसमें आउटर पार्ट में हो रहा है. कन्वर्जिंग मैंने पहले ही बोला था, इसमें आउटर पार्ट में हो रहा है, इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर है ना, इसको कन्वेक्स मिरर हो गया. उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोस्तों, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ेंगे व्हेन रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एनी शाइनी सरफेस देन इट इज returns into the same medium then it is phenomenon is called reflection of light. Reflection of light बोल रहा है कि when rays of light incident falls on any shiny surface, जब कोई light पड़ता है first of all के सबसे पहले जो कोई light आपको सबसे पहले जो पड़ता है जिस चीज़ पे object पे तो then it is return, वो return कोई भी shiny चमकता हुआ चाहिए just like glass हम देखते हैं glass पे कोई भी लाइट पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, वही बोल रहा है कि साइनी सरफेस पे जब कोई भी लाइट पड़ता है तो देन इट रिटर्न्स, वो रिटर्न होता है इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में जिस मीडियम में वो लाइट जाता है उसी मीडियम में वो बैक हो जाता है देन इट इज फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. उसके बाद एंड द रेज ऑफ लाइट रिटर्न्स आफ्टर द रिफ्लेक्शन एंड द रेज ऑफ लाइट रिटर्न्स आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. वॉर इज जो मतलब रिटर्न हो जाता है, वॉर इज ऑफ लाइट जो रिटर्न हो जाता है रिफ्लेक्शन में दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, उसे हम लोग कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे. हाँ देखिए दोस्तों एक है जो कि इंसिडेंट रे देख रहे हैं और एक है जो कि रिफ्लेक्टेड रे देख रहे हैं, तो एक इंसिडेंट रे है और एक रिफ्लेक्टेड रे है. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दे आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके दे आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि एक है रेगुलर और एक है इरेगुलर रिफ्लेक्शन. एक है रेगुलर और एक है इरेगुलर देख रहे हैं, और इरेगुलर को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, इरेगुलर को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, रेगुलर को रिफ्लेक्शन रेगुलर को रेगुलर कह सकते हैं. और उसके बाद देखिए रेगुलर का यहाँ रेगुलर का देख लीजिए पिक्चर, रेगुलर का क्या है लेकिन यहाँ से इंसिडेंट आ रहा है यहाँ रिफ्लेक्टेड जा रहा है, ये देख लीजिए रेगुलर का है और ये इरेगुलर का है पिक्चर देख रहे हैं है ना, ये डायग्राम देख रहे हैं आप इरेगुलर का और ये देख लीजिए रेगुलर का डायग्राम है. तो ऐसा है ना कि रेगुलर का जो है वो एक इंसिडेंट आ रहा है और रिफ्लेक्टेड जा रहा है कोई, और इसका सरफेस भी प्लेन है, और इरेगुलर में आप देखेंगे जो भी सरफेस है रफ सरफेस होगा. तो उसका डिफिनेशन देखिए देखते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो तरह का है, एक है जो कि मतलब रेगुलर वाला जो कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर एट सेम प्लेन. मैंने पहले इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन पे होता है. और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट, दूसरा इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाइट एट सेम प्लेन, ऐसे भी बोल सकते हैं या नॉर्मल लाइट एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाइट सेम प्लेन. और दूसरा है ये सर न्यूटन ने दिया था इसे. उसके बाद है देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आर इक्वल, एंगल आई बराबर एंगल आई, दैट इज कॉल्ड प्रूव बाय द न्यूटन सर, ओके. उसके बाद ये देखिए डायग्राम अब देख रहे हैं, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये दो लंबे हैं, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है,
एंगल आई हो गया, आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ओके दोस्तों, और देखिए उसके बाद ये आगे वाला वीडियो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। इसके आगे का जो भी आपको समझ में आ रहा है अभी तक समझ लीजिए बहुत ही अच्छे से, मैं आगे इसी तरह से आप मेरा साथ दीजिए और मैं आपको इसी तरह के वीडियो डालूंगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट प्लीज़। ओके थैंक यू।